Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. शाहरुख खान की फिल्म जीरो इसी महीने रिलीज होने वाली है। ऐसे में वो अपनी फिल्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करने में बिजी हो गए हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आज की तारीख में तो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ही है। जी हाँ, सलमान खान की करिश्मेटिक प्रेजेंस से बिग बॉस की टीआरपी में कमाल हो गया है और यही ट्रेंड बिग बॉस 12 में भी नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो फिल्म जीरो के पहले गाने मेरे नाम तू की बेशुमार सक्सेस के बाद मेकर्स अब अपने अगले गाने के लॉन्च को और भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ये गाना कटरीना और शाहरुख के बीच एक सैड नंबर होगा। अब ये तो सभी जानते होंगे कि सलमान कैट और अपने बड़ी शाहरुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अगले सैड नंबर को सलमान के बिग बॉस 12 के स्टेज पर करेंगे लॉन्च। पहले हमें लग रहा था कि मेकर्स इस मंच पर उनका इशकबाजी गाना करने वाले हैं लॉन्च, क्योंकि इस गाने में ही दोनों खान एक साथ नजर आने वाले हैं। मगर नहीं, मेकर्स ने इस गाने के लिए कुछ और ही सोच कर रखा है और इसलिए वो इस गाने को ऑडियंस के लिए सरप्राइज रखते हुए इस गाने को फिल्म की रिलीज के पहले नहीं करने वाले हैं लॉन्च। फिर भी सलमान को किंग खान और कटरीना को हेल्प करता देखकर हम एक बार फिर हो गए हैं उनसे इम्प्रेस्ड। और आप